आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये मेरा गूगल फॉर्म है और मैं इस गूगल फॉर्म को अपने व्हाट्सएप के साथ में कनेक्ट करने वाला हूँ, ताकि इसकी इंफॉर्मेशन अगर कोई भी मेरा सब्सक्राइबर या मेरा कोई कस्टमर अगर इस फॉर्म को फिलअप करता है तो उसकी डिटेल्स जो है मुझे व्हाट्सएप पे मिल जाए। इस स्टेप को कंप्लीट करने के लिए हमें जो है एक अलग से वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप जो है उस पर क्लिक करते हैं तो उस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो इसको कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे जो है उस वेबसाइट का नाम टाइप कर लेता हूँ, व्हाट्स फॉर्म। मैंने जो है व्हाट्स फॉर्म टाइप कर लिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं whatsform.com मैंने जो है टाइप किया, तो मैं इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। और जो है मुझे यहाँ पे जो है इसको लॉगिन करने के लिए, मैं इसको व्हाट्सएप के थ्रू भी लॉगिन कर सकता हूँ और इसको मैं गूगल अकाउंट के थ्रू भी लॉगिन कर सकता हूँ। तो अभी जो हूँ मैं यहाँ पे इसको व्हाट्सएप के थ्रू लॉगिन करूंगा, क्योंकि मेरा जो है इसमें पहले भी अकाउंट बना हुआ है, या पहले आपका एग्जिस्टिंग अकाउंट हो या आप इसको न्यू तरीके से मतलब ओपन कर रहे हो, तो इसको जो है आपको लॉगिन ही करना पड़ेगा। इसमें जो है हमारे नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को जो है मैं यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। ओटीपी फिलअप करने के बाद में ये वेरीफाई होगा, और वेरीफाई होने के बाद में जो है ये डैशबोर्ड पे हमें जो है रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे ही हम डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट होते हैं तो हमारे सामने का इंटरफेस कुछ इस तरीके का होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाट्स फॉर्म की यहाँ पे ब्रांडिंग दी हुई है और नीचे दिया हुआ है हेलो। अब हमें गूगल फॉर्म को कनेक्ट करने के लिए यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है प्लस न्यू व्हाट्स फॉर्म, ठीक है। तो इस पे जो है हमें क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने जिस नंबर से लॉग इन किया है वो नंबर आपका ऑटोमेटिक फिल करके आ जाएगा, और अगर अपना आपने जो है वो गूगल आईडी से जो है आपने अगर इसको लॉग इन किया है तो आपको यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर फिल करना होगा। ये व्हाट्सअप नंबर इसलिए फिल करना होगा क्योंकि आपका कस्टमर अगर कोई भी मैसेज आपको भेजेगा तो वो इस नंबर पे आपके मैसेज आएगा, तो इसीलिए वही नंबर फिलअप करें जिस नंबर पे आप कस्टमर की जो इंफॉर्मेशन है वो लेना चाहते हैं, मतलब जो गूगल फॉर्म का आपका डेटा है वो जिस नंबर पे आप लेना चाहते हैं उसी नंबर को आप यहाँ पे फिलअप करें। मैं जो हूँ यहाँ पे अपना नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। आप यहाँ पर जो है स्टार्ट फॉर्म स्क्रैच से, मतलब आप स्क्रैच से जो है यहाँ पे अपना फॉर्म बना सकते हैं, और इनके जो है कुछ टेम्पलेट दिए हुए हैं उनके थ्रू भी जो है आप यहाँ पे फॉर्म बना सकते हैं। इन दोनों चीज को स्क्रैच से और टेम्पलेट से किस तरीके से फॉर्म तैयार करना है, इन चीजों को समझने के लिए आपको मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना करके दूंगा। आप जो है उस वीडियो को जो है जरूर वॉच करें। अभी जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं गूगल फॉर्म को व्हाट्स फॉर्म के साथ में किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए आपको कॉपी गूगल फॉर्म यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में जो है आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपको गूगल अकाउंट सिलेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। आपको उसी अकाउंट से लॉगिन करना है गूगल में जिस अकाउंट पे आपका जो है गूगल फॉर्म बना हुआ है। तो मेरा इस अकाउंट के अंदर गूगल फॉर्म बना हुआ है, तो मैं जो हूँ यहाँ पे इसको साइन इन कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे साइन इन करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझसे परमिशन मांगता है। परमिशन मांगने के बाद मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद में जो है थोड़ा ये प्रोसेस होगा, उसके बाद में जो है मुझे रिडायरेक्ट कर देगा व्हाट्स फॉर्म के डैशबोर्ड पे। अभी जो है इसने हमें डायरेक्ट कर दिया है व्हाट्स फॉर्म के डैशबोर्ड पे, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मेरे सामने जो है कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आ रहा है। मतलब शुरू में मेरे सामने डैशबोर्ड आया था, तो इस चीज से आपको घबराना नहीं है। आपको दोबारा से न्यू व्हाट्स फॉर्म पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपको अपना व्हाट्सअप नंबर अगर पहले से फिल किया हुआ है तो ऑलरेडी फिल आएगा, और अगर नहीं किया है तो यहाँ पे जो है आपको अपना व्हाट्सअप नंबर फिल करना है। उसके बाद में जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आपको जो है अगर गूगल फॉर्म कनेक्ट करना है तो गूगल फॉर्म पे फिर से क्लिक करना है। जैसे ही आप गूगल फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट के अंदर जितने भी यहाँ पे फॉर्म बने हुए हैं वो सारे के सारे गूगल फॉर्म जो है यहाँ पे आपको शो करने लगेंगे, जैसे ही आप गूगल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो है ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म जो है
यहाँ पे हमारे अकाउंट में है, तो हम जो है इस वाले फॉर्म को व्हाट्सएप के साथ में कनेक्ट करने वाले हैं, जो भी इसकी इंफॉर्मेशन हो वो हमारे नंबर पे आए इस चीज को करने के लिए। तो हम जो है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन वाले फॉर्म पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा इसको बिल्ड करने में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा फॉर्म है ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है वो खुल करके आ चुका है। अब इसको यहाँ पे देखने के लिए जो है यहाँ पे अपना इसको एडिट कर सकते हैं, या अगर यहाँ पे आप इसको अंदर का अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं ऑप्शन, तो वो यहाँ से साइड से जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे जो है इसमें रेटिंग दे देता हूँ। यहाँ पे जो है मैंने इसमें रेटिंग ऐड कर दी है। एक उसके बाद में जो है मैं इसको पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको पब्लिश पे क्लिक करता हूँ, तो पब्लिश पे क्लिक करने के बाद में जो है ये फॉर्म जो है वो पब्लिश हो चुका है। अब इसको अगर मैं किसी भी दूसरे बंदे को मतलब सेंड करना चाहता हूँ, या अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसको लगाना चाहता हूँ, या अदर मैं जो हूँ इसको किसी को व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक लिंक चाहिए। तो उस लिंक को लेने के लिए आपको जो है सिंपली ओपन पे क्लिक करना है। जो यहाँ पे आपको ओपन वाला बटन दिख रहा है इस पे जो है आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप जो है एक न्यू पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब न्यू पेज पे क्या है कि यहाँ पे जो है आपको ये पूरा फॉर्म जो है वो कंप्लीटली शो करेगा कि किस तरीके का आपका फॉर्म बना है। कोई भी आपका कस्टमर अगर अपनी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद में जो है जैसे ही वो अपने इस फॉर्म को सबमिट करता है, तो ये पूरी की पूरी डिटेल्स के साथ में उसको जो है व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, इस चीज को देखने के लिए जो है मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से करेगा। तो उसके लिए मुझे जो है अपने फोन का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ से जो हूँ मैं इसे फॉर्म के लिंक को जो हूँ मैं अपनी डिवाइस पे सेंड कर देता हूँ। मेरी एक्टिव डिवाइस जो है वो टैबलेट है, तो मैं अपने टैबलेट पे जो है उसको सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद में अभी मैं जो वीडियो ऐड करने वाला हूँ वो टैबलेट की स्क्रीन की वीडियो ऐड करने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके कि गूगल फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे नंबर पे किस तरीके से आएगी। अभी जो मैंने लिंक के सेंड किया था व्हाट फॉर्म का, तो वो यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे आ रहा है। मैं इसमें से एक लिंक पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे सामने ये जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। इस फॉर्म के अंदर जो हूँ मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स जो है वो फिल कर लेता हूँ। डिटेल्स फिल करने के लिए मुझे support@afmonitor.in, उसके बाद में मैं यहाँ पे अपना नाम फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है मुझे फोन नंबर देना है, तो मैं फोन नंबर यहाँ पे कोई भी रैंडम दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नंबर भी मुझे रैंडम कोई भी नंबर एक मैं रैंडम यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। उसके बाद में जो है यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो है वो डबल आ रहा है, तो ये कॉलम में हमारे डबल दिया हुआ था। अगर आपको जितनी मरतबा जरूरत पड़ती है उतने उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं जिस चीज़ की भी जरूरत पड़ती है। मैं इसको जो है बाद में डिलीट कर दूंगा। उसके बाद में जो है यहाँ पे आपको एड्रेस देना होगा। एड्रेस देने के बाद यहाँ पे आपका कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में जो है आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, जो मैंने रेटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया था, उस रेटिंग वाले ऑप्शन में हम देखते हैं कि यहाँ पे आपका कस्टमर का जो है वो एक्सपीरियंस क्या रहा, वो जो है वो उस चीज़ के बारे में आप इसको जो है अपनी वीडियो के बारे में जो है आप ऐड कर सकते हैं, अपने किसी प्रोडक्ट के बारे में, या अपने किसी कस्टमर को मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जिस चीज़ की अकॉर्डिंग आपको ज़रूरत है उसी के हिसाब से जो है आप इसको ऐड कर सकते हैं। अभी जो मैं यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ, जैसे ही मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है और मुझको जो है ये रिडायरेक्ट करता है व्हाट्सएप के अंदर। इसने जो मुझे रिडायरेक्ट किया है वो मुझे मेरे व्हाट्सएप के अंदर रिडायरेक्ट किया है, और यहाँ पे जो है एक मैसेज बन करके आ चुका है। तो मैं जो इसको सेंड मैसेज पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको सेंड मैसेज पे क्लिक करूंगा, मैंने जो है इस मैसेज को यहाँ से सेंड कर दिया। तो अभी जो है मेरा ये पर्सनल नंबर जो है मतलब उसी के अंदर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो इस वजह से मुझे जो है यहाँ पे इसलिए ऐसा शो कर रहा है कि सर यू मैंने मैसेज जो है वो यूअर सेल्फ खुद को किया है। लेकिन जो नंबर आप भी फिल करेंगे उसी नंबर पे आपके मैसेज आएगा। अगर आप जो है वो किसी भी दूसरे नंबर से अगर मैसेज किया जाता है, तो वो आपके नंबर पर मैसेज आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे टैबलेट के अंदर जो है वो एक ही नंबर मैं यूज कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये सीन मेरे सामने आ रहा है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं।